हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप सबको पता है कि जन्माष्टमी आ रही है और हमको पंजरी का प्रसाद बनाना है। तो आटा पंजरी की रेसिपी कैसे बनाते हैं जो महीने तक ख़राब ना हो, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ली और उसमें एक चम्मच घी डाला है। 150 ग्राम हमने आटा लिया और कुछ ऊपर थोड़ा सा, मतलब आप एक भर के कटोरी आटा ले लीजिए जो नॉर्मल हम आटा लगाते हैं, और उसको कंटिन्यूसली सेकते जाएंगे, चम्मच से हिलाते जाएंगे, क्योंकि फ्लेम हमको लो रखनी है, हमारा आटा ज़्यादा पैंदे में नहीं चिपके। इसी के साथ हमको एक कटोरी मखाना लिया है और इसी में डाल दिया है। जब हम पंजरी सेकते हैं तो साथ के साथ हम मखाने भी इसमें ही फ्राई करेंगे। जब इसको 10 से 15 मिनट होने लगेंगे तो ये मखाने भी बड़े कुरकुरे होने लगेंगे। जो भी आप ड्राई फ्रूट यूज़ कर रहे हैं, मैंने लिया है नारियल की चिटक, बादाम, किशमिश, काजू, जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हो आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने इस तरीके से नारियल कट कर लिया है और कुछ काजू लिए हैं और काजू की टुकड़ी भी डाल दी है। कुछ किशमिश लिए जो हम बाद में डालेंगे, फ्रेंड्स अभी नहीं डालेंगे उसे। इन्हें थोड़ा सा रोस्ट होने के लिए हमने पहले ही डाल दिया। 10 से 15 मिनट तक हम इसको लाइट फ्लेम पे बिल्कुल सेकते जाएंगे। जब ये अच्छे से फ्राई होने लगेंगे तो ये आपको देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारे आटा पंजरी के अंदर हमारे मखाने बिल्कुल लिपट गए हैं, ऐसा लग नहीं रहा, बिल्कुल अलग से हमने मखाने इसमें डाले हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल परफेक्टली। अब हम इसको क्रंची को फोड़ के देख लेते हैं, हमारा मखाना बिल्कुल क्रंची हो चुका है इसमें सिकते सिकते। इस तरीके से ऐसे सभी मखाने हमारे क्रंची हो जाएंगे। इसको 5 मिनट और सेक लेंगे। 5 मिनट सेकने के बाद इसके मखाने, इसके जो भी ड्राई फ्रूट्स हमने इसमें डाले हैं वो रोस्ट हो चुके होंगे और हमारी पंजरी भी बिल्कुल सिक कर तैयार हो चुकी है। बिल्कुल ईजी तरीके से आपको बता रही हूँ, कुछ भी अलग से फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से हम गैस फ्लेम बंद कर देंगे और थोड़ा सा नीचे उतार लेंगे, इसको ठंडा होने देंगे, थोड़ा सा इसको हिला लेते हैं और इसे ठंडा होने देंगे। 1/4 चम्मच इलायची पाउडर, कार्डामम डालेंगे इसके अंदर, और साथ में या तो पाउडर शुगर डाल लीजिए या घर में सभी के बूरा होता है वो डाल लीजिए, नहीं तो आप चीनी को भी पीस कर इसमें डाल सकते हैं। जितना मीठा आपको चाहिए, कम या ज़्यादा, हमने ज़्यादा या इक्वल रखा है, दोनों का स्वाद अच्छा है तो हमने इक्वल रखा है फ्रेंड्स। अब इसको हम मिला लेंगे। फ्रेंड्स याद रहे, इसको बिल्कुल ठंडा होने के बाद बूरे को या पाउडर शुगर को मिलाना है, इसमें डालना है और अच्छे से इसमें मिलाकर बिल्कुल रेडी कर लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, प्रसाद में जब तक तुलसी ना हो वो प्रसाद अधूरा माना जाता है। अब हम इसे प्लेट में लगा लेते हैं। इस तरीके से सारे प्रसाद को हम एक प्लेट में डाल लेंगे, क्योंकि हम ठाकुर जी के भोग लगाएंगे तो ओब्वियसली प्रसाद को फुल डेकोरेट करके मखाने, ड्राई फ्रूट्स, जो भी आपके पास घर में मिल जाए आप उसी के साथ इसको सजा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल परफेक्टली, हमारी आटा पंजरी बिल्कुल तैयार है। तुलसा जी का जो पत्ता हमने लिया है, इसे नाखून से ना तोड़े, हाथों से तोड़ के, फिंगर से तोड़ के इसमें लगाएं, ना कैंची से काटे ना नाखूनों से तोड़े। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया तो इसे लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।